हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखो, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है और मोस्टली हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। मैं आज आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा वहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है यहाँ से दो क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी बार यहाँ से दो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत सारी बार। अब की बार की बात की जाए तो अब की बार बहुत सारी शिफ्ट थी, 5-7 शिफ्ट थी ऐसी, जिसमें ऐसे टॉपिक से जो मैं आज डिस्कस करना जा रहा हूँ वहाँ से दो क्वेश्चन आए हैं। बाकी एक क्वेश्चन तो यहाँ से हर बार आता है और मोस्टली मोस्टली कैंडिडेट्स का वो गलत हो जाता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, जिसके बारे में आधे तो जानते ही नहीं है कि ये हमारे नेट में भी आता है। स्टैटिक का टॉपिक है ये, ठीक है। स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, लोग एमए भी ले लेते हैं, बीएमए भी ले लेते हैं। एमए में मेरे साथ था, ये मेरे पास था ये सब्जेक्ट, ठीक है। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग प्रतिचयन। बिल्कुल जड़ से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेके, ठीक है। तो बिल्कुल साथ जुड़ जाओ मेरे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल समष्टि या जनसंख्या से इकाइयों का चयन। सैम्पलिंग क्या होता है, हम प्रतिचयन बोलते हैं। सैम्पलिंग या प्रतिचयन क्या होता है, कुल समष्टि या जनसंख्या से इकाइयों का चयन। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। जून 2018 में आया था ये क्वेश्चन, जून 2008 में, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा 18 में भी आया था ये क्वेश्चन। आगे देखो, प्रतिचयन पर आधारित माप को प्रतिदर्शज या स्टैटिक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। प्रतिचयन पर आधारित माप को क्या कहते हैं, प्रतिदर्शज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्शज बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे, सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक रैंडम प्रोबेबिलिटी होती है, एक रैंडम होती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, दूसरा नॉन रैंडम होती है जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, जो रैंडम होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में यादृच्छिक या प्रायिकता या संभाव्यता प्रतिचयन, जबकि जो नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको हम बोलते हैं गैर यादृच्छिक, गैर प्रायिकता या गैर संभाव्यता विधि, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इनके बारे में जानते हैं डिटेल से थोड़ा थोड़ा। यादृच्छिक या प्रायिकता या संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है, कुल इकाइयों या समष्टि में सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना होती है। दूसरी साइड यदि बात की जाए नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, तो इसमें कुल इकाइयों या समष्टि में सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना नहीं होती। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर, इसमें क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी की चुने जाने की समान संभावना होती है, ठीक है। उसमें आप किसी को भी चुन सकते हो। एक क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमें मॉनिटर बनाना है, तो वहां पर मॉनिटर बनने के लिए हर कैंडिडेट एलिजिबल है, आप किसी को भी मॉनिटर बना सकते हो, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो किसी एग्जाम में 1 लाख फॉर्म भरे गए तो उस पोस्ट के लिए सारे के सारे एलिजिबल है, आप किसी को भी लगा सकते हो। तो उस एलिजिबिलिटी से कुछ अलग करने के लिए हमने क्या किया, एग्जाम का सिस्टम बनाया। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, हम इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी है सभी की, सेम संभावना है, आप किसी को भी चुन सकते हो। यदि आप एक को चुनते हो तो दूसरा वो आवाज उठाता है कि भाई तूने इसी को क्यों चुना, मेरे को क्यों नहीं चुना। दूसरी साइड आप किसी और को उठाते हो, बाकी के विरोध करते हैं कि आपने इसको ही क्यों चुना, हमें क्यों नहीं। तो ये क्या है, संभाव्यता है, जहां पर सभी को समान अधिकार है किसका, चुने जाने का, ठीक है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर भाई कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, और आवाज़ भी उठाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर उसको चुना जाता है जिसकी ज़रूरत होती है, यहाँ पर सभी इकाइयों के चुने जाने की कोई समान संभावना नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर सभी इकाइयों के चुने जाने की कोई समान संभावना नहीं होती,
अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका एक प्रकार है सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी। देखो इनके प्रकार याद करो आप, क्योंकि क्वेश्चन इनके प्रकारों से सबसे ज़्यादा पूछता है वो, ठीक है। उनमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। वहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी के दे देता है, चौथा नॉन प्रोबेबिलिटी का दे देता है, हमें पहचानना होता है, ठीक है। तो इनके प्रकारों को अच्छे तरीके से याद करना, याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप किसी एक के प्रकारों को याद कर लो, आप रैंडम या प्रोबेबिलिटी यादृच्छिक या प्रायिकता के जितने प्रकार हैं उनको याद कर लो, बाकी के जो होंगे वो सारे सारे किसके प्रकार होंगे, गैर यादृच्छिक के प्रकार होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक अनियत या यादृच्छिक दैविक प्रतिचयन। और देखो कल मेरी क्लास नहीं हो पाई, उसका कारण था हमारे पास में कोई जागरण हो रहा था पास वाले घर में, तो उस वजह से बिल्कुल बहुत ही तेज आवाज़ आ रही थी, तो उस वजह से क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। देवताओं का जागरण होता है ना, आपने भी देखा होगा, वो हो रहा था पास के घर में हो रहा था, तो आपको पता है कितनी तेज वॉल्यूम होती है, माइक वगैरह लगे हुए थे, ठीक है। अब सैम्पलिंग सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग में क्या होता है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना होती है। सिंपल सी बात है, एक इकाई के चुने जाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चुने जाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आप एक इकाई को चुनते हो उसके ऊपर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सारा सारा किसका प्रकार है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रकार है, तो वहाँ पर इसकी कंडीशन सारे लागू होंगी, आपको भी पता है। तो सिंपल रैंडिंग में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना होती है, एक इकाई के चुने जाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लॉटरी विधि है, टेबल या सारणी विधि है। कौन कौन सी है, लॉटरी विधि है, टेबल या सारणी विधि है। आगे बात करते हैं हम क्रमबद्ध, देखो ध्यान से पढ़ना, क्रमबद्ध इसको व्यवस्थित भी बोलते हैं, यादृच्छिक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई या सभी इकाइयों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। इसमें क्या किया जाता है, जैसे सपोज दैट टोटल 500 आदमी है, अब 500 आदमियों में से आपको कुछ आदमियों को चुनना है, वो भी कौन से मेथड से, रैंडम या प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन सभी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से जमा करोगे, क्या करोगे, एक क्रमबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित करोगे, कौन से तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित करोगे। अब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कैसे करोगे, तो इकाइयों को समान अंतराल पर व्यवस्थित करोगे। सबसे सिंपल सी बात है, उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के लिए क्या करोगे, उनको समान अंतराल पर व्यवस्थित करोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल 1000 में फिक्स करना है कि 10वें स्थान वालों को शामिल किया जाएगा, फिर शामिल इकाइयों में यादृच्छिक प्रतिचयन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम में, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से कि 22000 लोग हैं टोटल, 10वें नंबर वाले हट जाओ, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो 10-10वें नंबर पर जो आ रहे हैं वो साइड में हट जाओ, एक साथ हो गई। अब हम उनमें से क्या करेंगे, उनमें से क्या करेंगे, हम सैम्पलिंग करेंगे, क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे उनमें से, वो भी कौन से तरीके से, यादृच्छिक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये बात पहले नहीं बताई जाती, 1000 लोग होते हैं, वो आपस में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर अनाउंस किया जाता है कि जो 10वें नंबर पर है वो साइड हट जाओ, या जो 15वें नंबर पर है वो साइड हट जाओ, या जो 5वें नंबर पर है वो साइड में हट जाओ, फिर जो लोग हटते हैं उनमें से सैम्पलिंग की जाती है, वो भी कौन से तरीके से, यादृच्छिक तरीके से। आगे है भाई साहब दूसरा तीसरा प्रकार, वर्गबद्ध या स्तरीय यादृच्छिक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। वर्गबद्ध या स्तरीय यादृच्छिक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, इसको पढ़ो। यह सैम्पलिंग विभिन्न गुणों वाली समष्टि में की जाती है। स्ट्रेटिफाइड को कहाँ पर फॉलो किया जाता है, जहाँ पर
जो समष्टि होती है, जो जनसंख्या होती है, उसमें अलग अलग गुणों वाले लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज वाले लोग होते हैं, अलग अलग गुणों वाले लोग होते हैं, ठीक है। जब किसी समष्टि में अलग अलग गुणों वाले लोग होंगे और यदि आपको वहाँ से सैम्पलिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, वर्गबद्ध या स्ट्रेटिफाइड मेथड को फॉलो करना होगा। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यदि क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, यदि किसी समष्टि में भिन्न भिन्न गुणों वाले विभिन्न प्रतिदर्श उपस्थित हैं तो आप उनमें से प्रतिदर्शज किस तरीके से चुनोगे, ठीक है। तो किस तरीके से चुनेंगे भाई, स्ट्रेटिफाइड मेथड से। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर किसी एक समान गुण वाले इकाइयों का चयन करेंगे हम, स्टेटा कहते हैं उसको, स्टेटा कहते हैं, ठीक है। किसी एक इकाई वाले गुणों को चुनना क्या कहलाता है, स्टेटा कहलाता है। तो ध्यान रखना, स्टेटा किसका पार्ट है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग गुणों वाले लोग हैं, ठीक है, टोटल 1000 स्टूडेंट हैं, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, कोई ज्योग्राफी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है। हम क्या करेंगे कि भाई जो जो बंदे ज्योग्राफी के हैं ना, वो साइड में हट जाओ, ज्योग्राफी के कैंडिडेट साइड में हट गए। विभिन्न गुणों वाले लोग थे, कोई ज्योग्राफी का था, कोई हिंदी का था, कोई इंग्लिश का, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई संस्कृत का। हमने उन सभी विभिन्न गुणों वालों में से ज्योग्राफी के गुण वाले को अलग कर लिया, और उनमें से हम क्या करेंगे, जो ज्योग्राफी के कैंडिडेट हैं उनमें हम क्या करेंगे, स्टेटा, उसमें हम जो रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्लस्टर। समूह प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, ठीक है। आपको इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, आपको बुक में पढ़ोगे तो एक जगह केवल समूह प्रतिचयन ही लिखा मिलेगा आपको। और उससे क्या होता है, यदि क्वेश्चन में पूछ लेता है क्लस्टर प्रतिचयन, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन सा आ गया, गुच्छ प्रतिचयन लिखा आ गया, फिर हम ओ यार ये गुच्छ कहाँ से आ गया, ये तो शायद नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल होगा, ऐसे हम कन्फ्यूज होते हैं। और इस कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैंने ये मेथड अपनाया है कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे उसके जो उपनाम हैं, सबनेम हैं, वो मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं या एरिया सैम्पलिंग बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। जनसंख्या समष्टि को विभिन्न समूह में वर्गीकृत करना, क्लस्टर मेथड में क्या किया जाता है, टोटल समष्टि या जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग समूह बनाया जाता है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर अलग अलग समूह बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमें जयपुर को क्या करना है, जयपुर के ऊपर हमें सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, जयपुर के ऊपर हमें सैम्पलिंग करनी है और उसमें से हमें कुछ लोगों को चुनना है, तो और हमें वहाँ पर क्लस्टर मेथड से चुनना है। तो हम क्या करेंगे, जयपुर को अलग अलग समूहों में विभाजित करेंगे, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। जैसे सांगा एयरपोर्ट वाला एरिया एक साइड, रेलवे स्टेशन वाला एरिया एक साइड, मेट्रो वाला एरिया एक साइड, बस स्टैंड वाला एक साइड, ठीक है, हमने उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, फिर हम किसी भी एक एरिया में, चाहे एयरपोर्ट वाले एरिया में, चाहे रेलवे वाले एरिया में, चाहे बस स्टैंड वाले एरिया में, चाहे मेट्रो वाले एरिया में, हम क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक होती है भाई साहब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुचरणी, इसमें क्या किया जाता है भाई साहब, बहुत सारे चरणों में, नाम से पता चल रहा है मल्टी स्टेज, मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, स्टेज मतलब चरणों, यहाँ पर जो सैम्पलिंग होती है वो बहुत सारे चरणों में होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया जाता है, कंप्लीट समष्टि को विभिन्न स्टेजों में विभाजित किया जाता है, जो टोटल समष्टि है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको बहुत सारे स्टेज में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब मैं बताता हूँ, जैसे हमें राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जानना है, और राजस्थान के लिंगानुपात में हमें जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जानना है और वहाँ पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को फॉलो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग फॉलो करना है, राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जानना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान को अलग अलग जिलों में विभाजित करेंगे,
इसमें जिलों में विभाजित करेंगे, उनमें किसी भी जिले को उठाएंगे, सपोज डैट हमने जयपुर को उठाया, जयपुर को हम तहसीलों में विभाजित करेंगे, ठीक है, फिर तहसीलों को हम गाँव में विभाजित करेंगे, फिर गाँवों को हम घरों में विभाजित करेंगे, ठीक है, फिर हम घरों से जानेंगे कि प्रत्येक घर में कितने कितने लोग, फिर पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा। राजस्थान को हमने 30 जिलों में विभाजित किया, फिर प्रत्येक जिलों को हमने 15-15 तहसीलों में विभाजित किया, सपोज जितनी भी तहसील है, फिर प्रत्येक तहसील को हमने गाँव में, फिर गाँव को हमने घर में, फिर घर से हम रिकॉर्ड उठाएंगे कि एक घर में कितने बच्चे हैं, वहाँ पर लड़कियाँ कितने हैं, लड़के कितने हैं, वहाँ पर लिंगानुपात रेशियो कितना है, ठीक है। तो भाई लोगों, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है ना, वो इसी आधार पर होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के आधार पर ही होती है। अगला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पर क्या होता है, सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती। यहाँ पर आप किसी भी समूह को या किसी भी इकाई को चुन सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। हम डायरेक्टली बोलें, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, वहाँ पर आप अपनी इच्छाओं का उपयोग नहीं कर सकते, आप अपनी ज़रूरत का उपयोग नहीं कर सकते। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, उसमें आप अपने इच्छाओं का प्रयोग कर सकते हो, आप अपने चाहतों को चुन सकते हो, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। आपको ज़रूरत है कि मेरे को पीएचडी वाला एक कैंडिडेट चाहिए, तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करो, आपको पीएचडी वाला ही मिलेगा। आप चाहते हो कि मेरे को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चाहिए, बिल्कुल उसकी बॉडी भी बिल्कुल फिट हो, 30, 28 और 32 का उसका सीना हो, उसकी ब्राउन आँखें हों, उसकी जो थ्रेडिंग है वो बिल्कुल पतली सी हो, उसके लिप पतले हों, तो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। कौन सा मेथड फॉलो करके? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि वहाँ पर आपने सभी को समान इकाई नहीं दी, आपने कंडीशन दे दी कि मेरे को पतली लड़की चाहिए, सुंदर चाहिए, थ्रेडिंग पतली होनी चाहिए, लिप पतले होने चाहिए, और उसकी जो आईज हैं वो ब्राउन होनी चाहिए। आपने क्या दे दी? कंडीशन दे दी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। निर्णय प्रतिचयन, जजमेंट, अपनी इच्छा से चयन करना, एग्जाम्पल पीएचडी वाले, ठीक है। उसके बाद आता है कोटा प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन बोलते हैं इसको, हिंदी में नियतांश भी बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना। जनसंख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉलेज स्ट्रीम, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम। हमने कॉलेज को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, किसके आधार पर? विशेषता के आधार पर, कि भाई साइंस वाले इस साइड बैठेंगे, आर्ट्स वाले इस साइड बैठेंगे, कॉमर्स वाले इस साइड, मैथमेटिक्स वाले इस साइड, बायो वाले इस साइड। किसके आधार पर डिवाइड किया? विशेषताओं के आधार पर। उसके बाद में आता है सुविधानुसार कन्वेंस, अपनी सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग। आपको जैसी सुविधा चाहिए, कि भाई जो भी आपको सुविधा चाहिए उसके अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपको चाहिए कि मेरे को पीएचडी वाला बंदा चाहिए, जो भी मात्र 10,000 रुपये सैलरी में, आप उसी को चयन करोगे। आपको चाहिए कि सैलरी चाहे कितनी भी ले ले, लेकिन पीएचडी वाला होना चाहिए, नेट वाला होना चाहिए, जेआरएफ वाला होना चाहिए, और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपने कंडीशन दी है, आप कौन सा फॉलो करोगे? सुविधानुसार आपकी सुविधाएँ, आपको आपकी जो जो सुविधाएँ हैं उसके अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग। विस्तृत प्रतिदर्श एक्सटेंसिव, जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, ज़्यादा शुद्ध आंकड़े की प्राप्ति, ठीक है। जो विस्तृत प्रतिदर्श होता है, विस्तृत एक्सटेंसिव मतलब यहाँ पर जो समष्टि होती है, जो जनसंख्या होती क्या होती है? बड़ी होती है, और इसका उपयोग ज़्यादा शुद्ध आंकड़े की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है उद्देश्य अनुसार प्रतिचयन, प्रपोजिव सैम्पलिंग, आपका जो टारगेट, जो उद्देश्य है उसके लिए आपकी सैम्पलिंग करना। स्नोबॉल सैम्पलिंग, समष्टि या जनसंख्या छोटी होती है, चयन श्रृंखला, ठीक है। स्नोबॉल में क्या होता है, इसमें समष्टि या जनसंख्या छोटी होती है, इसमें चयन श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है, जुड़ना। जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले इसी का उपयोग करते हैं। पहले वो दो कैंडिडेट को उठाते हैं, उन दोनों को बोल देते हैं कि भाई तुम दोनों दो दो को जोड़ो, वो दो दो को जोड़ देते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि भाई तुम भी दो दो को जोड़ो, फिर वो दो दो को जोड़ते हैं, फिर बोल देते हैं भाई तुम भी दो दो को जोड़ो, फिर वो दो दो को जोड़ देते हैं। वो क्या हो रहा है? स्नोबॉल हो रहा है, चैन के द्वारा जुड़ रहे हैं आपस में। सभी ने दो दो जोड़ा है, लेकिन लास्ट तक बहुत सारी, बहुत ही बड़ी
हमारे पास क्या हुई, एक समस्ती हो गई। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं डायग्राम बना के। सपोज डैट यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको दो चुनने के लिए बोला, मैंने दो चुन दिया, इन दोनों ये दो चुना, ठीक है, फिर इन दोनों ये दो चुना, ठीक है, फिर इन दोनों दो दो चुना, फिर इन दोनों दो दो चुना, फिर इन दोनों दो दो चुना। मैंने कितने चुना था, दो। सभी कितने चुन रहे हैं, ओनली दो दो। लास्ट में समस्या कितनी हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। अगला देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, संपूर्ण समूह से निष्कर्ष निकालना प्राचल अनुमान कहलाता है, सैंपल से अनुमान निकालना सांख्यिकी अनुमान कहलाता है। संपूर्ण समूह से निष्कर्ष निकालना प्राचल अनुमान कहलाता है, सैंपल से अनुमान निकालना सांख्यिकी अनुमान कहलाता है। भाई एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको भी देख लो थोड़ा सा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के। क्वेश्चन, दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, 23 लिखो, दो से डिवाइड करो, दो से डिवाइड करोगे कितना आया, 11 आया, 11 दूना 22, एक शेषफल कितना बचा, 23, ठीक है। फिर दो से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, एक शेषफल यहाँ लिखो, फिर दो से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, फिर एक शेषफल, फिर दो से डिवाइड करो, दो से पूरा डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 0। अब इसको आप इस तरीके से लिख दो, कैसे लिखोगे, 1 0 1 1 1, समझ में आ गया, यहाँ पर 2 लिख दो। यहाँ पर किसी भी तरीके से पूछे उस तरीके से होगा। इसी तरीके से आपको 45 का निकालना हो तो 45 का कैसे निकालोगे, सॉरी 2 से डिवाइड करो, 22 दुना 44, शेषफल 1 45, ठीक है, 2 11 शेषफल 0, फिर 2 5 शेषफल 1, फिर 2 2 2 दुनी 4, फिर शेषफल 1 5, फिर 2 2 एकम 2, शेषफल 0। इसको लिख दो ऐसे, 1 0 1 1 0 1, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट में क्या होगा, दो नंबर होते हैं और यहाँ पर 0 और 1 होता है, जो आप 2 लिखोगे इस वजह से। तो ये था हमारा इसके बारे में, ये कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे सहसंबंध गुणांक क्या होता है आपको पता है, ये मैंने समझा दिया था जब मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाए थे, कल या परसों दो वीडियो बनाए थे मैंने, उनमें समझा दिया था ये मैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आता है, हर हाल में आता है, हो सकता है यहाँ से दो क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जो सैम्पलिंग है वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले, सैम्पलिंग से भी पूछ ले, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन सैम्पलिंग से तो 100% आएगा, ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत सारी बार पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ढेर सारे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ लाइक करना, बाय।